आप देख रहे हैं ओबीसी न्यूज चैनल आपकी अपनी आवाज़। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित झिलगन पैसीलैन मोहल्ले में एक घर में गैस के रिसाव से लगी आग, जिसमें आग की चपेट में आने से 45 वर्षीय संजय कुमार एवं उनके 12 वर्षीय पुत्र स्पर्श कुमार की घटना स्थल पर ही हुई मौत। घटना के बाद मोहल्ले में मातम का माहौल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। घर में बस दो ही आदमी था, घर में दो आदमी था और अफरा तफरी के कारण ही ऐसा हुआ। भागने क्रम में वो गिरे हैं और एक किचन के बगल में गिरा हुआ बॉडी है और एक बेड पे बच्चे का बॉडी है। उसकी मम्मी शायद कॉलेज में पढ़ाती हैं, पढ़ाने के लिए गई हुई। ताला लगा हुआ था मेन गेट, पूरा लॉक था, ताला लॉक था। आग लगा हम लोग को सूचना दिया गया है आधा घंटा पहले। कैसे लगी आग? ऐसे बता रहे हैं कि ये कुछ हीटर टाइप का लगा के वो लोग ताप रही थी शॉर्ट सर्किट से, और कुछ लोग बता रहे हैं कि गैस में आग लगा है। तो गैस ब्लास्ट नहीं हुआ है, गैस सिलेंडर को निकाल लिया गया है। ये आग लगा है और जो भी ये गिरे हैं बेहोश हुए हैं ये स्मोक की वजह से, क्योंकि पूरा रूम बंद था, पैक था, आग लगा है उससे स्मोक हुआ है और उससे वो गिरे हैं और ये घटना हुआ है। कितना बच्चा, कितने घर में कितने बच्चे हैं? बच्चा दो बच्चे, एक बच्चे हैं, एक उनके पापा हैं, दो ही आदमी उस समय रूम में थे। ये आग लगा हुआ है, सूचना मिला था कि आग लग गया, अंदर से वो बंद किए हुए थे। अभी प्रथम दृष्टया तो लगता है कि शॉर्ट सर्किट से लगा है, उसी में लोग सोए हुए थे, अचानक लग गया, दो आदमी की डेथ हो गया। कौन है दोनों? ये यहीं के एक है, उनका नाम है, एक है संजय कुमार सिन्हा और एक उनका बेटा है स्पर्श कुमार सिन्हा। आग लगने का कारण पता चला सर, क्या कारण? अभी तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से, अब बाद में पता किया जाएगा। ये क्या करते थे संजय कुमार सिन्हा, कुछ पता चला है? अभी तो नहीं पता चला है, उनकी वाइफ थी वो टीचर है कहीं। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित टिकारी रोड में एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ने शनिवार को सड़क पर तीन लोगों को बनाया शिकार। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद जमकर किया हंगामा। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर नशेड़ी ड्राइवर को लिया हिरासत में। पुलिस के द्वारा FIR कर कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद लोग हुए शांत। क्या मेरे ससुर हैं, अभी एक्सीडेंट हुआ है तुरंत, अभी तुरंत आधा घंटा पौन घंटा पहले, और उन लोग वहाँ पर छुपा करके रखे हुए हैं यहाँ पर निवास के अंदर में। ड्राइवर भी यहीं पर है, दारू पूरा ड्राइवर दारू पिया हुआ है, गाड़ी में भी दारू रखा हुआ है, समझ गए कि नहीं? और अभी हम अपने ससुर को हमें ले गए हैं गोलपत्र हॉस्पिटल में, ले गए फ्री क्लिनिक में। कितना लोग घायल हैं? कमर टूट गया उनका, पीछे हाथ का फ्रैक्चर हो गया, एक गाड़ी वहाँ पर एक्सीडेंट है, एक औरत की हाथ टूट गई है, गाड़ी यहीं पर अभी खड़ी है, और जो ड्राइवर लोग हैं सब यहीं पर अभी आसपास में ही सब छुपा हुआ है कहीं। एक्सीडेंट हुआ है? अच्छा, किसी से हुआ है? कार से हुआ है। कितने लोग घायल हैं? एक आदमी तो बता रहा है पहले बैद्यनाथ में छुपा हुआ सर, पहले उसको आप अरेस्ट कीजिए। बिहार झारखंड की सीमा पर बरवाड़ी में स्थित कोबरा 205 बटालियन मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कोबरा बटालियन के कमांडेंट दिलीप श्रीवास्तव ने कहा कि हथियार छोड़ समाज की मुख्य धारा में शामिल हो नक्सली। उन्होंने कहा कि छकरबंदा और कौलेश्वरी को नक्सल मुक्त बनाने के लिए कोबरा बटालियन है पूरी तरह से तत्पर। हम लोग जो है सामाजिक तौर पर भी पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने एरिया में, और साथ ही जो हम लोगों का प्राइम ड्यूटी है परिचालन ड्यूटी करना, जिससे कि पूरे एरिया में नक्सल गतिविधियां बंद हों और नक्सली का जो है नामो निशान मिटाया जा सके, उस पर हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और कार्य कर रहे हैं। और आने वाले जो मेरा टेन्योर रहेगा अगला 3 साल तक का, उसमें मैं यही चाहूँगा कि जो चक्करबंधा का एरिया है या कोलेश्वरी का एरिया है, यहाँ पूरी तरह से अमन और शांति फैले और किसी भी प्रकार का कोई भी नक्सल एक्टिविटीज़ वहाँ ना दिखाई दे, वहाँ के जो भी लोकल्स हैं वो बढ़िया से अपना जीवन जिए। गया के बोधगया स्थित कालचक्र मैदान में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का प्रवचन है जारी। प्रवचन के तीसरे दिन शनिवार को दलाई लामा ने किया सूत पाठ। मौके पर उन्होंने विश्व शांति के लिए की प्रार्थना।
गया के वजीरगंज प्रखंड अंतर्गत तरमा बाजार में साहू समाज के सम्मेलन में नर्तकियों के साथ अश्लील डांस करते एक शिक्षक से भाजपा नेता का पिछले दिनों वीडियो हुआ था वायरल। वायरल वीडियो के मामले में जिला पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने उक्त शिक्षक पर विभागीय कार्रवाई करने का दिया आदेश, जिसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने उप शिक्षक दिवाकर भारती को किया निलंबित। गया के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत एरकी पंचायत में बीती रात दो मासूम बच्चों की हुई संदेहास्पद मौत, जबकि मां और बेटी का ANMMCH में चल रहा है इलाज। रात में खाना खाने के बाद सुबह कमरे में सभी मिले थे बेहोश। डॉक्टर के अनुसार खाने में जहर के पाए गए हैं अंश। सर हम सुबह उठे, मैदान गए, नदी से आए, मैदान करके तो मुंह धोते, उधर से मनो कुछी करते आ रहे थे, कुछी करते आ रहे हैं तो देखे कि हमारा पिताजी जो ऐसे कि जानवर धूर और दो बकरी था बाहर कर रहे थे, उसको खाना वाना दिए, उसके बाद फिर उसको आवाज़ दिए केवाड़ी ढूंढुकाएँ। पिताजी जब केवाड़ी ढूंढुकाएँ तो नहीं खुल रहा था, भीतर से बंद था, तो फिर हमारा मंझली बहू आया, वो भी केवाड़ी ढूंढुकाए, आवाज़ दिया, नहीं खोला। फिर उसके बाद में वो भतीजा था छोटा सा, वो जो ऐसे वो अपना छत्ता पर से इसका छत्ता पर आया, उसके बाद अंदर घुस करके खोला तो मैंने देख रहा है कि मूड़ी ठो पटिया से मैंने खटिया का पार्टी जो है उसे नीचे लटका हुआ है। तो फिर हम लोग 10-20 वो आदमी उस जगह हो गए तो उठा पटा करके फिर हम लोग इधर लेकर आए। पॉइजन सस्पेक्ट किया जा रहा है जो ना, और चूंकि इसका इलाज ग्लोबल हॉस्पिटल में हो चुका है जो ना, हम लोग अच्छा से अच्छा उपाय कर रहे हैं, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। गया पंचानपुर मुख्य मार्ग पर चनौती थाने के कोसमा गांव के निकट बाइक पर सवार अपराधियों ने फायरिंग कर CSS कर्मचारी अरुण कुमार के पास से 3 लाख रुपए की लूट। लूट के बाद अपराधी भागने में रहे कामयाब, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। 3 लोग आया पल्सर से गोली मार के पैसा ले लिया। कितना पैसा था? 3 लाख। कहां जा रहे थे? गया रहे थे। कहां पर घटना हुआ? धर्मशाला के पास। कितना घायल हुआ? कहां गोली लगी? मारा पैर में, टंकी में छेद करते हुए निकला, यहाँ पे साथी लगा, चारा लग गया पैर में, हाथ में। क्या करते हैं आप? CMS कंपनी में हूँ, जीवन का पैसा लेके जा रहे थे, हथियार था। कितने लोग? 3, ब्लैक पल्सर। क्या किए, कैसे आए? पीछे से आए थे, आगे क्या बोले? आके सटा के गोली मार दिया पहले, दूसरा गोली मारना चालू किया, उसके बाद हम बैग पीछे से आया, बैग ले लिया। गया के गांधी मैदान स्थित गांधी मंडप में महात्मा ज्योतिबाई फुले विचार मंच के बैनर तले देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले की जयंती समारोह का किया गया आयोजन। मौके पर उपस्थित लोगों ने सावित्री बाई फुले की चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, साथ ही उनके बताए रास्ते पर चलने का लिया संकल्प। आज हम लोग सावित्री बाई फुले का जयंती मना रहे हैं। सावित्री बाई फुले देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, और उस समय जिस समय महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, इन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ में मिल करके महिला शिक्षा की नींव रखी। आज पूरा देश इनको भुला गया है, लेकिन हम लोग हर साल लगातार 10 सालों से हम लोग मनाते आ रहे हैं इनकी जयंती को, और इसलिए मना रहे हैं कि इन्होंने जितनी बड़े संघर्ष किए हैं महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम मैंने हम लोग राज्य सरकार को बताना चाहते हैं, केंद्र सरकार को भी बताना चाहते हैं कि जो पाठ्यक्रम है बच्चों के लिए, स्कूली पाठ्यक्रम है, इसमें सावित्री बाई फुले के जीवनी को पढ़ाया जाए बच्चों को, ताकि उनमें प्रेरणा आए। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि सावित्री बाई फुले के नाम पर देश में जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाए, तभी इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम लोग सावित्री बाई फुले का जन्मदिवस मना रहे हैं। सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे के एक गाँव में हुआ था, और इनकी शादी 10 वर्ष के उम्र में ज्योतिबा फुले से हुई थी। उसके पश्चात 1860 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्होंने एक महिला स्कूल की स्थापना की। उस समय महिला शिक्षा की स्थिति बहुत ही जर्जर थी, कोई भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इन्होंने एक अधिकार जगाने का काम किया और महिला शिक्षा में एक अलग जगाया, और तब जाकर आज हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न तरह के सभी क्षेत्र में महिला अग्रणी है, उसका श्रेय सावित्रीबाई फुले को जाता है।
भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आसान किश्तों में जमीन और फ्लैट खरीदने के सपनों को करे साकार। गया डोभी मुख्य सड़क बजौरा के समीप स्टार सिटी के द्वारा मात्र 11,000 के आसान किश्तों पर और गया फतेहपुर रोड बंधुआ गुमटी के समीप 8,500 के आसान किश्तों पर जमीन उपलब्ध है। और बोधगया रामपुर में सचिन क्लिनिक के निकट बुद्धा स्टार सिटी के द्वारा डुप्लेक्स और बंगलो उपलब्ध है। इस तरह भूस्वामी कंपनी का एक विंग सन सिटी जो आसान किस्तों में फ्लैट बनाकर देती है। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारा सपना सबका घर हो अपना। गया पटना सड़क मार्ग पर बिथो के समीप अपार्टमेंट का निर्माण जिसमें मॉल भी रहेगा और दूसरा गया डोभी रोड एयरपोर्ट के समीप हरियो में शीघ्र ही अपार्टमेंट के लिए भूमि पूजन किया जाना है। तो हमारा पता याद रखिए, भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज, पता डॉक्टर वजीर अली रोड धामीटोला गया। कॉल फॉर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट नंबर 8002964951 या 0631222190।